प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बताता है हमें कि कोई भी काम होता है प्रेजेंट में है, बट एग्जैक्टली कब होता है इनडेफिनिट, यानी डिफिनिट नहीं है, एग्जैक्टली कब होता है ये क्लियर नहीं है, जैसे कि नाम से जाहिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे जो वर्ड के आखिर में लगा है वह ते है, यानी कि ता है, ती है, ते है। जैसे मैं काम करता हूं, वे लोग जाते हैं, वह हमें चुनाता है, कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं इसमें आखिर में ता है, ती है, ते है, ता वगैरह लगा होता है, ये अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, हमेशा नहीं। याद रखिए कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, जैसे वह ममता है, नाम है, ठीक है, तो ऐसे सब चीज मिलेंगे आपको, लेकिन अक्सर इसमें ताहे तीहे वाले सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और इसको समझे इस तरह से कि जितने भी डेली हैबिट्स के सेंटेंसेस होते हैं, डेली हैबिट्स, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये सेंटेंसेस अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस given or be five plus object, examples, you know me means तुम मुझे जानते हो, you don't know me, यहाँ पे word लगाया हमने don't means होता है नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये हर जगह बदलेगा, हर टेंस से बदलेगा, ठीक है। यू डोंट नो मी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, डोंट नो मी तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। तो कर दी इन चारों के सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, इसमें डू पहले आ जाता है, ओके, डू इसमें पहले आ जाता है, और इसमें इंटायर नेगेटिव में, यानी क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, यहां नहीं भी है और क्या भी, यानी इसमें क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो तो वैसे सेंटेंस को कहते हैं हम लोग इंटायर नेगेटिव। इसमें पूरा डोंट यहां आ जाता है, यू कैन सी हियर, पूरा डोंट यहां आ जाता है, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही टीचर्स मी, यानी वह मुझे पढ़ाता है, ठीक है। यहां देखें, गौर करें, यहां पे वर्ड हमने टीच के साथ एक ई एस लगाया है, ई एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये यहां देख ले, यहां पे वर्ड क्या है, ही, और ऐसे वर्ड जैसे ही, शी, इट या कोई नेम आता है तो हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल आए तो वहां हम लोग वी वन लगाते हैं, जैसा बताया कि वी वन और वी फाइव, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है, इसकी नेगेटिव कैसे बनेगी, ही डजंट, यहां देखिए गौर से, यहां पे हमने डजंट का इस्तेमाल किया है, यानी आई, वी, यू, दे के साथ डोंट लगाएंगे नेगेटिव में, और ही, शी, इट, नेम के साथ नेगेटिव में डजंट लगाएंगे। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। और इसकी इंट्रोगेटिव में डज को पहले कर देते हैं, डज ही टीच मी, और इसके इंट्रो नेगेटिव में डजंट को पहले करते हैं। तो इसके हिसाब से, इसी के बेस पे और एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट डिफरेंट सेंसेस के इंग्लिश बना सकते हैं और इसके जरिए इसको एनहांस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, आपको मैं और भी ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जिसके जरिए आप इंग्लिश को आप रोशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय।